बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इलेक्शन से जुड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में चुनाव एक्सप्रेस में। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी तेज। दिसंबर में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कैंपेन शुरू करेगी भारतीय जनता पार्टी। 553 लोकसभा सीटों पर होगा कार्यक्रम। जेपी नड्डा दिल्ली के चांदनी चौक से करेंगे अभियान की शुरुआत। विधानसभा चुनावों से पहले एमपी में बीजेपी नेता कर रहे हैं दौरा। आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भीम जिले का करेंगे दौरा। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं का दौरा। 25 अक्टूबर को नरसिंहपुर आएंगे नितिन गडकरी। प्रहलाद पटेल के नामांकन में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जाएंगे मध्य प्रदेश के सीहोर। जनता से करेंगे संवाद। जीत के लिए भरेंगे चुनावी हुंकार। राजस्थान में चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी अपनी कमर। आज से 2 दिन के दौरे पर जोधपुर जाएंगे सीएम गहलोत। जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में करेंगे मुलाकात। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे छत्तीसगढ़ के सत्ती। नामांकन रैली में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी मंत्र। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट हुई जारी। 43 उम्मीदवारों के नामों पर लगी मोहर। अब तक 76 उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। 7 उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी हो चुके हैं घोषित। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट की अपनी जारी। 12 उम्मीदवारों के नामों पर लगी मोहर। रायपुर उत्तर से विजय गुरुबख्श नानी को मिला टिकट। मध्य प्रदेश के लिए बीएसपी ने भी जारी की अपनी 10वीं लिस्ट। 23 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। एमपी में 17 नवंबर को होने हैं चुनाव। लोकसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु में बीजेपी को एक और झटका। बीजेपी नेता गौतमी तरीमल्ला ने दिया पार्टी से इस्तीफा। पार्टी की तरफ से समर्थन नहीं मिलने के बाद में लिया गया फैसला। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस नेता महेश शर्मा ने दिया इस्तीफा। मालवीय नगर से टिकट न मिलने पर लिया गया फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा सरकारी अफसरों और फौजियों को ना प्रचार में लगाना ठीक नहीं है। ये तरीका लोकतंत्र को करेगा कमजोर। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद में विरोध प्रदर्शन तेज। बड़ी संख्या में कमलनाथ के घर के बाहर पहुंचे कांग्रेस नेता मुरली मोरवाल के समर्थक। टिकट कटने पर विरोध प्रदर्शन कर जाहिर किया रोष। राजस्थान में भी टिकट बंटवारे पर बीजेपी में विरोध प्रदर्शन। दीप्ति किरण माहेश्वरी को टिकट मिलने पर कार्यकर्ता उन्हें की तोड़फोड़। प्रत्याशी बदलने की कर रहे हैं मांग।